नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहार अब शुरू होने वाले हैं, तो अब हम वीडियो बनाएंगे त्योहार से संबंधित। तो आज मैं एक ऐसा ही वीडियो लेकर आई हूँ, जो मैंने आज बनाया है वो हर त्योहार पर हमारे यहाँ यूज होता है। उसके बिना तो हम अपने किसी भी पूजा का या किसी भी काम का श्री गणेश नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम जो बनाने वाले हैं वो है ये स्वास्तिक, और ये MDF स्वास्तिक है। इसका साइज जो है वो 12 इंचेस है। तो आज हम यही डेकोरेट करने वाले हैं। और आज मैंने बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बनाया है, सिर्फ लाइनिंग दी है और बीच में सर्कल बनाया है, और मोल्डेड क्ले की डोरी को मैं लगाती जाऊंगी। अगर छोटी छोटी तैयारियां अभी से हम शुरू कर दें तो त्योहार पर डेकोरेशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और मोल्डेड क्ले के छोटे छोटे पीस मैंने यहाँ लगा लिए हैं, साथ ही एक लंबी डोरी लगा करके नहीं, अब हम अपने बॉर्डर को कवर्ड कर देंगे। और यही डिजाइन हमें चारों तरफ बनाना है फ्रेंड्स। उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा डिजाइन बनाया है, ये जिगजैग का डिजाइन है जो दोनों साइड से बनाया है। बहुत ही सुंदर डिजाइन लगता है। डिजाइन आप कोई भी अपनी पसंद से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी डोरी लगाई है उसके अंदर भी मैंने डिजाइन बना लिया है। ये डिजाइन आप टूथपिक से भी बहुत सुंदर बना सकते हैं फ्रेंड्स। मोल्डेड क्ले की डोरी मैंने पहले से बना ली थी, क्योंकि मैंने बताया है कि मोल्डेड क्ले को कैसे मिक्स करना है, कैसे हमें डोरी बनानी है। ये दोनों ही वीडियो मेरे चैनल पर हैं, जिसकी लिंक ऊपर दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। डोरी कैसे परफेक्ट होनी चाहिए उसका अलग वीडियो है, और मोल्डेड क्ले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कैसे करना चाहिए ये मेरी बिजनेस वाली वीडियो में बताया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और डोरी कैसे लगानी है, कॉर्नर्स को कैसे ज्वाइंट करना है, ये तो फ्रेंड्स अब तक आप सीख ही गए होंगे कि मैंने हर वीडियो में बताया है। आज की आर्ट में सिर्फ लंबी लंबी डोरियों का ही काम है। इस तरह के डिजाइन फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। मिड में हमने जो सर्कल बनाया है वहाँ भी मैंने डोरी लगा ली है फ्रेंड्स। मैंने डोरी की थिकनेस बिल्कुल एक जैसी रखी है। डोरी की थिकनेस कैसे नापनी चाहिए ये भी मैंने वीडियो में बताया है, जरोका वाली जो वीडियो बनाई है उसके अंदर फुल बताया है कैसे बनाना चाहिए। व्हाइट कलर कर लिया है, क्योंकि व्हाइट कलर करने के बाद ही हम कलर करेंगे। जैसा कि आपने देख ही लिया है, ये स्वास्तिक है और ये बहुत ही सुंदर सा स्वास्तिक है। व्हाइट कलर करने के बाद मैंने किया है इंडियन येलो कलर। इंडियन येलो कलर जो होता है बिल्कुल हल्दी की कलर जैसा दिखता है, और हम जो स्वास्तिक बनाते हैं ज्यादा करके हल्दी या रोली से बनाते हैं, तो हम अपने स्वास्तिक में भी यही कलर देंगे। और जो हमने डिजाइन बनाया है वहाँ मैंने किया है रेड कलर, क्योंकि स्वास्तिक दोनों ही कलर के बहुत सुंदर लगते हैं। रेड कलर करने के बाद में फ्रेंड्स एक बार डोरी पे फिर से व्हाइट कलर करके फिनिशिंग लुक दे दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत कलर हमारी साइड से लग जाता है जब हम करते हैं। और मिड में हमने जो सर्कल बनाए हैं उसके अंदर जो छोटा सर्कल है वहाँ मैंने लाइट ग्रीन कलर किया है, और उसके चारों तरफ किया है डार्क ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को मैंने अपोजिट में इसलिए रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम स्वास्तिक बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम फूल पत्ती तो चढ़ाते ही हैं, तो मैंने ग्रीन कलर इसी से मैच करते हुए ले लिया है। आप दूसरा कलर भी रख सकते हैं या सेम कलर भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। जहाँ मैंने रेड कलर किया है उसके ऊपर हाफ मोती लगाए हैं, इस बार हाफ मोती बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और जो येलो कलर किया है वहाँ मैंने लगाई है आई शेप के मिरर। आई शेप के मिरर से हमने छोटे छोटे फ्लावर बनाए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ ही मैंने ग्रीन कलर के कुंदन लगाए हैं जो कि हमारी स्वास्तिक को और भी सुंदर लुक दे रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह के कुंदन पर इस तरह की आर्ट में बहुत सुंदर लगता है। और जहाँ मैंने डार्क ग्रीन कलर किया है वहाँ मैंने व्हाइट कलर के कुंदन रखे हैं, जो थोड़े हल्के से येलो कलर पर हैं वो कुंदन लगाए हैं। और अंदर हमने सिर्फ एक बिग मिरर लगाया है, और बिग मिरर लगाने के बाद में मैंने डार्क ग्रीन से मांडला डॉट रखी है जो कि बहुत अच्छी भी लग रही है। और मैंने वहाँ मांडला डॉट रखी है, आप चाहें तो कुंदन भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो हम स्वास्तिक के चारों तरफ हाथ से हम डॉट्स लगा देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारों तरफ मोल्डेड क्ले की डोरी लगाई है, रेड कलर किया है, और साथ ही मैंने व्हाइट कलर करके डोरी को फिनिश किया है।
लेकिन साथ में मैंने बीच में एक फूल भी रखा है। ये फ्लावर मैंने अपने मोल्ड से काटे हैं। इस तरह की मोल्ड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपको मोल्ड नहीं मिल रहे हैं फ्रेंड्स और आप इस तरह के फ्लावर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो फ्लावर बनाए हैं उनके ऊपर भी मैंने इंडियन येलो कलर किया है, क्योंकि जो हमने रेड कलर दिया है बेस पर और उसके ऊपर जो फ्लावर लगाएंगे वो हम येलो कलर का लगाएंगे तो आपस में मैच खाएगा और बहुत सुंदर भी लगेगा। और हमने जो छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं उनके ऊपर भी मैंने जो फ्लावर बनाया है उसको मिड में लगाया है, चारों तरफ हमने कुंदन लगाए हैं और लास्ट में इस तरीके से व्हाइट कलर से मैंने डिजाइन बना दिया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में मांडला डॉट भी रख दी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप हमारा जो आज स्वास्तिक है बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो गया है। तो आपने आज देखा हमने कितना प्यारा स्वास्तिक बनाया है। और इस तरह के स्वास्तिक को आप वॉल पर तो लगा ही सकते हैं, साथ ही आप जमीन पर भी रंगोली की तरह यूज कर सकते हैं, पूजा में लगा सकते हैं, एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। जो हमारे छोटे छोटे पीस हैं उन्हें हम डबल टेप से स्टिक कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमने स्वास्तिक बनाया है उसे हम कई तरह से यूज कर सकते हैं और एक बार बनाने के बाद में ये काफी टाइम चल जाता है। दूसरी बात, मैंने इस पे पॉलिश की हुई है और पॉलिश करने के बाद ये जो है वाटरप्रूफ हो गया है। तो आप इसे अगर गीले कपड़े से भी साफ करेंगे तो कभी ये खराब नहीं है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप त्योहार से संबंधित कौन कौन सी चीजें देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी आपकी बताई हुई चीजों पर वीडियो लाने की। तो चलिए मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई आइडिया के साथ। बाय बाय।